प्रणाली की सबसे पहली पसंद स्वर्णाभूषण। और जब स्वर्णाभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। पंडाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेगावड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला की हत्या करने वाले प्रेमी एवं प्रेमी के साथी को खंडवा न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि वर्ष 2020 में खंडवा जिले के पंडाना थाना क्षेत्र के एक जंगल में मृतक महिला राधाबाई को अपने ही पूर्व प्रेमी कैलाश उर्फ रावण, पिता कमल चंद निवासी खेगावड़ा, उसके साथी संदीप, पिता सोहनलाल निवासी खेगावड़ा ने अपने ही मित्र के साथ मिलकर महिला राधाबाई की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद पंडाना पुलिस ने मामले की जांच कर पूर्व प्रेमी कैलाश उर्फ रावण और उसके दोस्त संदीप को आरोपी बनाया था, जिसका फैसला आज गुरुवार को खंडवा न्यायालय में सुनाया गया। फैसला सुनते ही आरोपी न्यायालय से भागने की कोशिश करने लगा तो वही न्यायालय में खड़े कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आपको बता दें कि न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 2000 रुपए दंडित किया है। थाना थाने का मामला था, वर्ष 2020 में घटित हुआ था। इसमें फरियादी सोनू है और वो अपनी दोस्त राधाबाई को लेकर के, राधाबाई ने उसको फ़ोन करके कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे डॉक्टर के पास दिखा दो। डॉक्टर के पास दिखाने के बाद में राधाबाई के कहने पर उसको घुमाने के लिए लेके जा रहा था। इसका जो पूर्व प्रेमी है, राधाबाई का जो पूर्व प्रेमी था कैलाश उर्फ रावण, और उसका साथी संदीप, जब इसको मालूम पड़ा कि सोनू उसकी पूर्व प्रेमिका राधाबाई को लेकर के कहीं जा रहा है तो वो उसका पीछा किया उसने। और नथुनाला जो पेंडर क्षेत्र है, थाना पंडाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पर जाकर के इनका मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए पहले फरियादी सोनू को के साथ में लकड़ी से मारपीट करी। वो अपने आप को बचाने के लिए भागा और इस दौरान इसने राधाबाई को पकड़ के ज़मीन पर पटक दिया कैलाश उर्फ रावण ने, और दोनों ने पत्थरों से उसका चेहरा कुचल दिया बुरी तरह से। सोनू ने भागते हुए 100 डायल को फ़ोन किया और पुलिस की उसको मदद मिली और पुलिस मौके पर आकर के अनुसंधान पूर्ण किया था और कैलाश उर्फ रावण एवं संदीप को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। आज माननीय न्यायालय ने धारा 302 में दोनों आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अगर आप इस बार कोई दो पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहाँ पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहाँ पर आपको कई प्रकार की गाड़ियाँ मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियाँ मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग